கண்ணகி மாதவி மணிமேகலை. नारी नाम उपासना का ये हर रूप में जीवन है. नारी नाम उपासना का ये हर रूप में जीवन है. यही है पूजा, यही प्रेम है, यही जोगन कण्णगी. जीवन में घटने वाला प्रथम चमत्कार है. तुम और भी कई चमत्कारों को देखने वाली हो. मैं इस पवित्र पीठिका की रक्षा के लिए देवराज इंद्र द्वारा नियमित हूँ. मेरा नाम तीव्रतिलके है. पुत्री चलो मेरे साथ. पुत्री यहाँ पर गोमुखी नामक एक जल स्रोत है. वहाँ पर अन्नवर्ष अन्नवर्षा करने वाला अक्षय पात्र एक छुपा है. वह प्रतिवर्ष बुद्ध देव की जन्मतिथि में वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रकट होगा. जो योग्य है उन्हीं के हाथ में लगता है. उससे उस दिन भूखों को अन्नदान करके भूख मिटाने का नियम है, किंतु आज तक वह किसी के हाथ नहीं लगा है. आज ही वो पुण्य दिवस है. निमित्त और शकुन यही बताते हैं कि वो तुम्हारे हाथ लग सकता है. यही है वह पावन जल स्रोत. बुद्धदेव की जय हो, बोधि माधव की जय हो, पीड़ितों की भूख मिटाने वाले अक्षय पात्र की जय हो. नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. अवहेलना होती है, वीरता भंग हो जाती है, लज्जा का आवरण हट जाता है, सतीत्व बिक जाता है, भद्र परिवार चौराहे पर आ जाते हैं, भीख और चोरी सहज बन जाती है. इसीलिए अन्न मिले तो सभी प्रेम तर जाते हैं और इस शुभ कार्य का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है.
इस अक्षय पात्र की कथा आरोणाचार्य से जाकर पूछ लो। जाओ जनजीवन की क्षुधा शांत करो। मेरी लाड़ली अब तक नहीं लौटी। अब ये प्राण नहीं टिकेंगे जो प्राण उसके पिता की मृत्यु पर नहीं निकले, वो अब निकल जाएंगे। माधवी वहां देखो। माँ, मैं मात्र इस जन्म में आपकी पुत्री हूँ, पूर्व जन्म में मैं आपकी बहन थी। सुधमती माता भी हमारी बहन थी। हम तीनों पूर्व जन्म में अशोधरा नाडु की राजा के जन थे। पुत्री, ये पूर्व जन्म की बातें तुमने कहाँ से जानी, और ये आकाश का मन तुमने कहाँ से सीखा? कुलदेवी मणिमेघला से। ये देखिए, सदा समृद्ध रहने वाला अन्नदान अक्षय पात्र। अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, इससे पीड़ित जनों की सेवा करना। माता, माता, मैंने सुना कि आपको अगाध भूख है। ये कभी न मिटने वाली भूख है, हाथी की भूख की तरह। ये तो एक रोग है, जितना खाती हूँ उतनी ही भूख लगती है। बड़ी विचित्र बात है, आपके पास कभी न मिटने वाली भूख और मेरे पास कभी न रित होने वाला अक्षय पात्र। माता, इस अमृत सुरभि में यदि कोई पतिव्रता स्त्री प्रथम बार अन्न डाले तो वह अन्न कभी भी समाप्त नहीं होगा। संसार के सभी पीड़ितों की भूख मिटाने के लिए बस बढ़ता ही जाएगा। इस देश में आदरे से बढ़कर पतिव्रता स्त्री कौन होगी? पंचभूत भी उसका कहा मानते हैं। हाँ, आदरे का पति साधु एक व्यापारी है, विदेशी व्यापार हेतु जलपोत पर निकल पड़ा। तीव्र झंझावत से पोत समुद्र में उलट गया। पोत दुर्घटना में जो भाग्यशाली सकुशल लौट कर आए, उन्होंने ही आदरे को मृत्यु की सूचना दी। रुक जाओ आदरे, रुक जाओ। ग्रामवासियों, नगरवासियों और पति का सानिध्य प्राप्त पतिव्रताओं, मुझे मत रोको। पति विहीन जीवन की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। पति से विलग कर मुझे वैधव्य प्रदान करने वाली इस नीति को मैं पराजित करूंगी। विवाह के दिन अग्नि को साक्षी मान सुख व दुख प्रत्येक स्थिति में एक साथ रहने का वचन दिया था। उस वचन और दृढ़ संकल्प का पालन ही मेरा धर्म है।
मैं अपने स्वामी के पास पहुंच जाऊंगी। आप सब मुझे विदा कीजिए। हे समुद्र राज, तुम्हारी भयंकर भूख के लिए मेरे पति के प्राण पर्याप्त न होंगे, अतः मैं भी आपका ग्रास बनकर आ रही हूँ। मुझे स्वीकार कर प्रसन्न हो, मैं आ रही हूँ। हे ईश्वर, ये तेरी कैसी माया है, ये समुद्र जल मुझसे क्यों विमुख हो रहा है। हे समुद्र राजन, मैं पति को परमेश्वर समान पूजने वाली नारी हूँ, उनसे मिलने को आतुर मुझ दुखियारी को ये दंड क्यों दे रहे हैं भगवान, क्यों दे रहे हो। आदि रे, तुम सौभाग्यवती हो, तुम्हारा पति जीवित है, शीघ्र ही तुम्हारा उससे मिलन होगा। हे भगवान, क्या मेरे पति जीवित है? मैं अभी भी सौभाग्यवती हूँ। हे भगवान, मैं आपकी वंदना करती हूँ, कृपा करके ये तथ्य उजागर करें कि मेरे पति अब कहाँ हैं और उनकी रक्षा कैसे हुई। बोध के जलमग्न होने पर तुम्हारा पति व उसका मित्र मस्तूल के सहारे एक आदिवासी द्वीप पर पहुंच गए। वह नाग जनजाति का जंगल है। वहां के लोग जंगली पशुओं की भांति रहने वाले तथा मांस मदिरा व कामेच्छा में कालयापन करने वाले। तुम तो अनेक भाषाएं जानते हो, स्पष्ट करो क्या कह रहे हैं। ये नरमास प्रेमी नरभक्षी हैं, हमारे समान तट पर आने वाले मनुष्यों का भोजन कर प्रसन्न होते हैं। आज तक खाए मनुष्यों की अपेक्षा हमारा मांस अधिक स्वादिष्ट होगा, ऐसा इनका विचार है। तो क्या हम मनुष्य न होकर आहार की वस्तु हैं? अरे वो आगे कुछ और कह रहा है। इनका कहना है यदि हमारा मांस आग में भूनकर नमक और काली मिर्च के साथ खाया जाए तो अधिक स्वादिष्ट होगा। हम बैगन है क्या साधुवन, अपने अपने प्राणों की रक्षा क्या इसीलिए कि इससे तो समंदर में समा जाना ही भला था। साधुवन प्रलाप न कर। ये लोग सब क्या कह रहे हैं, मेरी विचार शक्ति के परे है। मैंने इनकी भाषा में इनको प्रणाम किया, इसलिए ये सब आश्चर्यचकित हैं। इसीलिए कई भाषाएं जानने चाहिए, उनकी भाषा में तुम्हारे बोलने से उनका मुख प्रसन्नता से दमक रहा है। वो तुम्हें छोड़ देंगे किंतु मुझे भून कर खा जाएंगे। अंग्रेजी की चका पका हाकड़े जीकड़े जागा पका लाग लकड़ी ताकर को भगा क्या को क्या कह रहा है। ये हमारे मांस के इच्छुक हैं, पर मेरा मुखिया को प्रणाम कर आदर करना इन्हें विस्मित कर रहा है, इसीलिए
हम इन्हें प्रिय भी हैं, तब भी ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या हमें मृत्यु का भय नहीं? ओह, कुशलता से वार्ता करो, दो चार शब्द इनकी भाषा के मुझे सिखा दो, जैसे तैसे जान बचानी है। ओहो, ये सब भ्रमित से क्यों है? तुमने कोई रहस्यमय तथ्य तो उजागर नहीं किया? रहस्यमय तथ्य जैसा ही लगेगा, किंतु इसी सत्य को हर मनुष्य जानना चाहिए। ये केवल हमारे शरीर का ही भोजन कर सकते हैं, हमारे प्राणों का तो नहीं, यही प्रश्न मैंने किया। उगड़े अरे अगड़े मरे कदाबू कदाबू कदाला को दुबजी आले पुरी के कबाई अदे वाटे लो बजी की अदा बाटे उठ पुरी अदा लो बाई कोड़ा को गई बाली बड़ी अवला बड़ी गई यावला बाई याला बाई को किसे बाई अदा बाई लगा यावला चिल्ले यावला डारी लुई कुशा शुकशा कशा खसाज गांबा का हागड़ा बागा दे दिंगड़ा काका हंगड़ा की किंग रा। मैं इनके कथन से अनभिज्ञ हूँ, सार सहित स्पष्ट करो। मैंने कहा कि हमें मार डालने पर हमारे प्राण नश्वर काया से अलग हो जाएंगे और पुनः नवजात शिशु के शरीर में प्रविष्ट होंगे और वो नवीन विकासशील काया उस जर्जर काया से आनंदा ही होगा। कुछ और भी बता रहे थे तुम। मैंने आगे कहा कि पुराने वस्त्रों के फट जाने पर कोई दुखी होता है भला? तब उसने गले लगाकर क्या कहा? उसे भी ये सत्य लगा, क्योंकि जर्जर शरीर से वो पहले की तरह सुखों के भोग नहीं उठा रहा है, इसीलिए वो भी इस नए शरीर का आकांक्षी है। लगता है तुम उसे एक प्रकार से मारी डालोगे। खंजुशु खंजुशु जंग बुशा अंगाड़ो छिका पका ठगारी ठगा ठुकु हांग छिका पका ठगा। अरे वो तो तुमसे प्रसन्न है, तुमसे उसने अब क्या कहा? यूं तो वो दूसरों को मारते थे, पर इन्हें भी अपनी मृत्यु का भय था। मुझसे पुनर्जन्म के सत्य को जानकर इनका भय समाप्त हुआ। ये कहते हैं मैं ज्ञानी हूँ और अब हम इनके अतिथि हैं। अतिथि? साधुवन, ये सब क्या है? मुखिया इन दोनों युवतियों को हमें भेंट कर रहा है, ये पीने को मदिरा और खाने को मांस तथा हमारा मनोरंजन करेंगी। ऐसा भी कोई भाग्यशाली होगा तो फिर मैं यही रहूंगा। कदबले कदबर कदा तो बुदुली तबा दे दे बोले कबाजी तबाजी। ये लोग इस प्रकार क्यों हंस रहे हैं? मेरे ये कहने पर कि मांस मदिरा और परनारी का सुख ये तीनों हमारे लिए वर्जित है। क्या ये आवश्यक है? बंद करो उपदेश, मुझे इनकी भाषा ज्ञात होती तो मैं सबसे निपट लेता। अल्ले रासल रामाम यारे आगे आगे यार। मैं समझ गया ये क्या कह रहा है, मांस मदिरा और काम इच्छा से रहित जीवन भी कोई जीवन है? आप तुम इनकी भाषा कैसे जानते हो? अपने अर्थ की बात हो तो सभी भाषा जान लेते हो।
ये रहने दो, प्रश्न का उत्तर दो, क्या इनसे भी रहित कोई जीवन है? कदा का कदा को तू बदल लबा कदा को डूब जी पुना कुछ अनुचित कह दिया तुमने। मैंने कहा जीव जंतु मदिरापान नहीं करते तो हम क्यों करें? अति उत्तम, तेरी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। दादा लपशी करता बाजी कादा दल पशी करता पता दल पुछ बजी आला। अभी तूने क्या कहा? मांस तो जानवर खाते हैं, यदि हम भी खाएंगे तो क्या जानवर नहीं माने जाएंगे? आहा आहा, अमृत वचन के उद्गार कर रहे हो बंधु। बाजा तिल बजे दादा लपक गई दादा लपक वैसे जा दबी दिल पशी आटा बाल दे दी भी दादा बाला दादा दा दादा दाबा दाल शुभाजी। कारण क्या है? सभी ने मौन धारण कर रखा है। मैंने कहा कि केवल जानवर ही, कोई भी नर किसी भी मादा से सहवास कर सकता है। हम मानव हैं, हम में और जानवरों में भेद होना चाहिए। हम सोचना जानते हैं, हंसना जानते हैं, सत्कार्य करके गौरव का अनुभव करना जानते हैं, बुरे कार्य पर लघुता और लज्जा का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए एक पुरुष के लिए एक ही नारी उचित है, यही कुटुंब है। बच्चों को माता पिता की आवश्यकता है। कसम कसा आशिकिश हंगुड़ सिंग जांगुड़ का पका आंगड़ का काम गुजी। क्या मदिरा पान के बिना ही बेसुध होकर गिर गए? ये बेसुध नहीं है, ये इनकी सुध की स्पष्टता है। भविष्य में ना ये मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे और ना परिस्थितियों का भोग। आपके शासन पर आपकी भाषा में धन्यवाद। आदरे, मेरी तपस्या परिपूर्ण हुई। भाभी जी, आपके पति अब वणिक ही नहीं है, विदेश में एक नए समाज की स्थापना कर आए महामानव है। इस देश में आदरे से बढ़कर पतिव्रता स्त्री कोई नहीं, पंचभूत भी उसी का कहा मानते हैं। अच्छा, मैं उस पतिव्रता स्त्री से मिलूंगी। नारी नाम उपासना का ये हर रूप में जीवन है। नारी नाम उपासना का ये हर रूप में जीवन है। यही है पूजा, यही प्रेम है, यही जोगन